हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ अपने अडेनियम के प्लांट्स की प्रूनिंग शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्लांट्स हैं जिनकी प्रूनिंग मुझे करनी है। ये बहुत मतलब कि नहीं तो फिर लेट भी हो जाएगा इनकी फ्लावरिंग के लिए भी। और मौसम हमारे यहाँ बिल्कुल अब ठीक हो गया, लगभग 28 डिग्री टेम्परेचर दिन का रहता है, 28-29 डिग्री हो गया टेम्परेचर, तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है। तो मैंने सोचा अब यानी धीरे धीरे इनकी प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। तो अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर अभी भी मतलब ठीक नहीं है, अभी ज़्यादा ठंड है, तो अभी आप प्रूनिंग मत करिएगा और थोड़े दिन 10 दिन और रुक करके तब फिर कीजिएगा। तो मैं जो बड़े बड़े प्लांट हैं मेरे पहले उन्हीं को मैं करने वाली हूँ। तो ये देखिए मेरा काफ़ी मतलब 3 साल पुराना प्लांट है ये मेरा, और आप इसे कोडेक्स देख सकते हैं कितना ज़्यादा बिग है। तो मैं आज यही करने वाली हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिया है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये ब्लेड ली है। आप कोई सी ब्लेड ले सकते हैं लेकिन अच्छी मतलब शार्प होनी चाहिए जिसमें अच्छे से कट जाए। उसके बाद आप इसको थोड़ा स्टेरलाइज कर लीजिए, चाहे तो सैनिटाइज़र से या फिर किसी भी चीज़ से। मैंने यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परोक्साइड लिया हुआ है और एक कॉटन की हेल्प से इसको हम इस तरह से अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे। और जितने भी प्लांट काटने हैं उसको काटने के बाद आपको फिर से इसको स्टेरलाइज कर लेना है, ताकि किसी भी प्लांट का एक दूसरे से फंगस एक दूसरे प्लांट में थोड़ा सा दिखाना। तो ये देखिए लास्ट ईयर मैंने कट किया था। अगर आप चाहे तो यहाँ से भी कट कर सकते हैं, मोटी ब्रांच से भी, लेकिन जो छोटी पतली ब्रांच होती है उनमें जल्दी इनमें मतलब कि शूट्स निकलती है, जल्दी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो मैं इनको यहीं से कट करने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से हमको कट करना है। और कोशिश करें कि जल्दी मतलब एक दो कट में ही आपका जो ब्रांच है वो कट जाए। देखिए इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से हमने प्लांट को प्रून कर दिया है। और जो इसके थोड़ा सैप निकलेगा, मैंने इसको कई दिनों से पानी भी नहीं दिया था। प्रूनिंग से पहले आप कम से कम 2 दिन से पानी देना बंद कर दीजिए, 2-3 दिन से, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा ये जो सैप निकलता है ये बहुत ज़्यादा ना निकले। देखिए बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है मेरे प्लांट में, फिर भी इसको हम थोड़ा सा इस तरह से साफ़ कर देंगे। ये यही जो हमारा कॉटन भीगा हुआ था इससे हमने इसको साफ़ कर दिया। ये देखिए, और यहाँ पर आप फंगीसाइड लगा दीजिए। और अगर आप दोपहर में करते हैं तो दोपहर में वैसे भी ये धूप से बिल्कुल सूख जाएगा, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सुबह या शाम को करते हैं तो थोड़ा सा फंगीसाइड ज़रूर लगा दीजिए। मैं भी इसमें लगा दूंगी थोड़ा सा फंगीसाइड। तो कट करने के बाद कटे हुए पार्ट में आपको फंगीसाइड लगा देना है, ताकि वहाँ से कोई फंगस ना क्रिएट हो और हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव करे। अब ये यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट करेगा। वैसे मुझे इसे रिपोर्ट भी करना है, लेकिन रिपोर्टिंग मैं इसकी 15 दिन के बाद करूँगी। तो जब इसकी न्यू ग्रोथ भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छा यानी फूल देगा, फिर मार्च से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी इसमें। तो इसी तरह से देखिए जितने भी मेरे यहाँ पे प्लांट हैं उन सबको मैं सभी को प्रून कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये बेबेस्टीन पाउडर लिया है, और ये पहले इसमें साफ रखा हुआ था इसलिए अभी थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा दिखने लगा है। तो इसको हम लगा देंगे इस तरह से, अब ब्रश की हेल्प से या फिर हाथ की हेल्प से किसी से भी लगा सकते हैं। इस तरह से जहाँ जहाँ पे कटा हुआ पार्ट है उसमें हम सब में अच्छे से इसको लगा देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी की हेल्प से इसको गीला कर लें, उसके बाद इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें रुक नहीं रहा है, थोड़ा सूख सा गया है। तो ये देखिए इसको हमने थोड़ा सा पानी में गीला कर लिया है, थोड़ा सा 2-3 बूंद पानी डाल करके, ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको, इसको इस तरह से गीला कर लिया है। और इस पेस्ट को हम अपने सारे ही प्लांट में इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए जितनी भी ब्रांच हमने कट करी है हम सब में इसको अच्छे से लगा देंगे। तो ये आपको ज़रूरी ही करना है, ताकि आपके प्लांट में कोई फंगस वगैरह ना लगे और प्लांट आपका हेल्दी तरह से ग्रो हो। तो ये प्रोसेस आपने कर दिया। अभी धूप भी जैसे है, मैं अभी धूप में कर रही हूँ, तो ये बहुत ही आसानी से सूख भी जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी अब मंथ बिल्कुल गर्मी का आ चुका है, धूप बहुत तेज़ होने लगी है, कोहरा ओस भी अब बंद हो चुकी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब।
तो ये देखिए इस तरह से हमने सभी ब्रांच में इसको लगा दिया है। तो इधर देखिए मेरे कुछ ग्राफ्टेड अडेनियम भी हैं, इस इनकी प्रूनिंग मैं अभी नहीं करूँगी, मैं इनके अभी फूल भी देखना है मुझे किस तरह के फूल आने वाले हैं, और क्योंकि कलियाँ आई हुई हैं तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगी इसका, और हो सके तो इस बार शायद ना करूं, लेकिन कुछ प्लांट मेरे हैं। ये भी मेरा ग्राफ्टेड अडेनियम है, इसकी प्रूनिंग भी लगभग 15 दिन बाद ही करूंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूं प्रूनिंग करने के बाद मैं कुछ प्लांट अपने ग्राफ्ट भी करूं, तो थोड़ा सा कोशिश करूंगी अगर हो जाएगा तो, पता नहीं मैंने कभी किया भी नहीं है पहले। तो इस प्लांट को मैं अभी प्रून करने वाली हूँ, देखिए कितनी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं और बहुत सारी कलियाँ अभी भी आ रही हैं इनमें, ये देखिए न्यू न्यू कलियाँ आ रही हैं, तो ये बिल्कुल फ्लावरिंग होने के लिए तैयार है प्लांट। ये प्लांट भी मेरा, कल मैंने इसको पानी दे दिया इसलिए आज मैं इसको प्रून नहीं करूँगी, इसको कल या परसों में प्रून कर लूँगी। तो जिस प्लांट के आपको प्रूनिंग करनी है उसको आप 2 दिन पानी मत दीजिए, उसके बाद ही प्रूनिंग करिए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, नहीं तो क्या होगा कभी कभी ज़्यादा पानी की वजह से ऊपर की तरफ फंगस आ जाता है, और ये जो कटिंग बचेगी इनको भी हम कटिंग ग्रो कर लेंगे, बहुत आसानी से कटिंग भी ग्रो हो जाती है, तो इसी तरह से इनको भी प्रून करना है अभी मुझे। तो इसकी प्रूनिंग के लिए थोड़ा दोनों हाथ की हेल्प लेना ज़रूरी है, और नहीं तो हाथ में भी लग सकता है, ये देखिए इस तरह से। क्योंकि ब्लेड बहुत ही बिल्कुल न्यू ब्लेड है और बहुत ही ज़्यादा धार वाला भी है, ये देखिए एक भी सैप देखिए इसमें निकल नहीं रहा है, बिल्कुल सूखा हुआ है, और अगर आप पानी देंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें सैप निकलता है और बहुत ज़्यादा फिर उसमें फंगस लगने का भी डर रहता है, इसलिए इस तरह से ये देखिए। आप ये नॉट देख लीजिए, जहाँ पे ये पास पास आपको नॉट दिखे वहीं से कट करिए, जितनी ज़्यादा नॉट रहेंगे उतनी ज़्यादा वहाँ से ब्रांचेस निकल करके आएंगी। तो ये एक हाथ से प्रूनिंग करने का कमाल है, जो इतना ज़्यादा प्लांट डिस्टर्ब हो रहा है, ये देखिए इस तरह से हम इसको, अब मुझे प्रून करना ही था, देखिए इसमें सीड पॉड भी जनरेट हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं अब तो ये प्रून भी हो चुका है, अगर मैं पहले देख लेती तो शायद इसको छोड़ देती, लेकिन क्या है एक ब्रांच को छोड़ देती तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता वो, तो अभी क्योंकि कलियाँ अभी भी आ रही हैं इनमें और ये बिल्कुल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने पर तैयार हैं पूरे प्लांट हमारे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे ही ब्रांच को कट कर लिया, और कितनी हेल्दी सी इसकी ब्रांच निकल करके आई हैं, ये सारी मेरी कटिंग लगाने के काम आ जाएगी, तो मैं इनको कटिंग भी लगा सकती हूँ, लगा दूँगी या तो, ये देखिए कितनी सारी ब्रांचेस हो गई यहाँ पर। तो बस आपको भी इसी तरह से प्रून करना है, प्रूनिंग करने से पहले आप यही इन्हीं बातों का ध्यान रखिए कि प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, और थोड़ा सा सैनिटाइज़र या फिर किसी भी चीज़ का यूज करके आप जो टूल्स यूज करने वाले हैं उसको अच्छे से स्टेरिलाइज करना है, और थोड़ा धूप में प्रूनिंग करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखिए इसका रूट कैसे मैंने डेवलप कराया था, इसका जो रूट बॉल है बहुत ही अच्छा है जो इसका, तो बस इसी तरह से सारे प्लांट की प्रूनिंग धीरे धीरे करती रहूँगी, तो अब सारा ही आपको क्या दिखाना, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, पूरे करती दिखाऊँगी तो वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कटे हुए पार्ट में आप फंगिसाइड ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि आपके प्लांट में कोई फंगस ना लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। तो प्रूनिंग के बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रूनिंग के बाद तुरंत पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, 2-3 दिन पहले से पानी मत दीजिए, 3-4 दिन पहले से, और लगभग 5 या 6 दिन या फिर 1 वीक आप प्रूनिंग के बाद भी पानी मत दीजिए। उसके बाद आप इसको वर्मी कंपोस्ट और थोड़े से 4-6 दाने DAP के दाने दीजिए, उससे इसकी ग्रोथ निकल करके बहुत अच्छी आएगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, प्रूनिंग के तुरंत बाद आपको पानी नहीं देना है प्लांट में, लगभग 1 वीक वेट करिए, 1 वीक के बाद आप इसको वर्मी कंपोस्ट के साथ फिर साथ में पानी भी दीजिए। तो बस इतना करेंगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छे हेल्दी ग्रो होंगे, बहुत अच्छी न्यू न्यू कलियाँ आएंगी, न्यू न्यू इसमें ग्रोथ होगी। तो बस